हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक स्टडी करेंगे और हम लोग का आज का टॉपिक है कैंसर। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आज अब आपको जो जानना है वो है कैंसर। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों को एड्स टॉपिक बताया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे एड्स टॉपिक को स्टडी किया होगा और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो जरूर आप पूछिएगा। तो मैं इसी आशा के साथ कि आज का जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियरली समझ में आएगा, चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। आज का हम लोग का टॉपिक कैंसर। कैंसर क्या होता है, किस तरीके से यह स्प्रेड होता है, आप सभी लोग जानते हो कि कैंसर जो है यह बहुत ही डेंजरस डिजीज है। आप सभी लोग को पता है जो कैंसर है यह बहुत ही डेंजरस डिजीज है और इससे पूरे वर्ल्ड के लोग, जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, सभी इससे सफर कर रहे हैं और यह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ यह डिजीज है। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो? कैंसर जो है, कैंसर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यह बहुत ही डेंजरस डिजीज है और यह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे अगर हम इंडियन बात करें तो मोर देन अ मिलियन इंडियन लोग जो है इसे सफर कर रहे हैं और जिसमें से आपके बहुत सारे लोग जो है इससे एवरी ईयर एनुअली, दैट मीन्स एवरी वर्स, इससे डाई होते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? तो कैंसर के बारे में अगर आपको बताना है तो मैंने क्या बताया, आप लोगों ने क्लियरली समझा है। कैंसर जो है यह एक ड्रेडेड डिजीज है, जिसको हम नॉर्मली बोले तो डेंजरस डिजीज है, मोस्ट डेंजरस यह डिजीज है। और यह डिजीज जो होता है ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे अगर इंडिया की बात करें तो मोर देन अ मिलियन पीपुल जो है इससे सफर कर रहे हैं और जिसमें से मेनी जो लोग हैं इससे एनुअली डाई होते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। अब जानेंगे कि यह कैंसर जो है यह किस तरीके से अफेक्ट करता है, कैंसर के केस में क्या होता है, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो कैंसर के केस में अगर हम बात करें तो सिंपल अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज कैंसर, तो आप बताओगे व्हेन अ सेल डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर देन इट ट्रांसफॉर्म इंटू अ ट्यूमर और फॉर्म अ ट्यूमर एंड दैट ट्यूमर कॉज कैंसर। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई सेल नॉर्मली, अगर कोई सेल है और उस वह अगर कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइम उस सेल का जो वर्च्यू है वो चेंज हो जाएगा और क्या कंडीशन होगा कि वो अनकंट्रोल उसमें सेल डिवीजन होने लगेगा और यही अनकंट्रोल जो सेल डिवीजन है यह ट्यूमर का फॉर्मेशन कर जाता है। एक मास ऑफ सेल फॉर्म होता है और यही मास ऑफ सेल जो होता है यह ट्यूमर कहलाता है और यही ट्यूमर जो होता है एक टाइप का कैंसर हो जाता है और यह कैंसर लोगों के मरने का कारण बन जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो कैंसर के बारे में और हम लोग जाने, तो कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंट है। तो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। जो नॉर्मल सेल होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की और जब कोई भी सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को नहीं शो करती है तो वह सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है।
या वह सेल कैंसरस होती है, ठीक ना। अब ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर कोई सेल, मान लीजिए कि यह सेल है, यह सेल है, अगर यह डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए यहां एक सेल का ग्रुप है, अगर यह सेल डिवाइड होगा तो दूसरे सेल डिवाइड होकर दो सेल अगर बन गया, तो जैसे ही एक लेयर बन जाएगा सेल का, जैसे ये सेल डिवाइड हुआ एक सेल और बन गया, तो बनने के बाद इस सेल के जैसे कॉन्टेक्ट में आ जाएगा यह सेल का डिवीजन बंद हो जाएगा। मतलब क्या, ये कॉन्टेक्ट में आने के कारण इसका डिवीजन क्या हो गया, बंद हो गया। और एग्जांपल दे दें तो मान लीजिए कि एक पेट्री डिश ले लीजिए, उसमें आपने कुछ सेल्स को लिया है, ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर गए, जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो श्योर है कि कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये सेल कॉन्टेक्ट में आएंगे, और जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे इसके बाद इनका डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स एक ये लेयर बना देंगे, जब आप देखोगे ना तो एक लेयर का फॉर्मेशन कर जाएंगे, या एक लेयर फॉर्म कर जाएंगे, अगर इसको इस तरीके से फ्लैट कर दे तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, और जैसे ये लेयर फॉर्म हो गया इसके बाद अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है सेल को, सेल की, उसे हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। लेकिन यही प्रॉपर्टी जब कोई सेल नहीं शो करती हमारे बॉडी के अंदर की, तो वह रीजन होता है किसका, कैंसर का। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द कैंसरस सेल, तो यू गिव द आंसर, एंड द आंसर इज द कैंसरस सेल डज नॉट फॉलो द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, the property of contact inhibition, cancerous cell does not follow the property of contact inhibition। ये बातें आप लोग याद रखोगे। तो ये कैंसर के बारे में है, और जब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करता है तो चलिए थोड़ा कैंसरस के बारे में जान लें। ये जो हमने अभी आपको बताया बेटा, ये नॉर्मल सेल का सेल डिवीजन मैंने बताया, ये नॉर्मल सेल का सेल डिवीजन था, लेकिन अभी एब नॉर्मल का होगा तो क्या केसेस होगा, अब चलते हैं नॉर्मल को हम लोग समझ लें। अगर एब नॉर्मल कंडीशन होगा तो क्या होगा, तो एब नॉर्मल कंडीशन देखिएगा, नॉर्मली मान लीजिए ये एक सेल का ग्रुप है, एक ये सेल का ग्रुप है, ये है, यहां पर इस सेल ने डिवीजन करना स्टार्ट किया, ये सेल डिवाइड हो गया, एक लेयर बना, और फिर यह सेल आगे चलकर इस तरीके से एक और लार्ज नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करने लगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करने लगे, तो ये जो सेल का मॉस बन गया, यह मॉस क्या है बेटा, ट्यूमर। यह जो सेल का मॉस है यह क्या है, ट्यूमर है, और जब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया इसका मतलब सेल, इसका मतलब यही हुआ, सेल डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। यहां पर सेल जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का, और कई लेयर अ ग्रुप ऑफ सेल और मॉस का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारा केसेस में होता है कैंसरस, याद रहेगा। जस्ट लाइक अगर पेट्री डिश की बात करें, यहां भी मान लीजिए दो चार सेल है, ये डिवीजन करना स्टार्ट किए, डिवीजन हुआ, ये कॉन्टेक्ट में आए, लेकिन कुछ एरिया के सेल्स अभी भी डिवीजन कर रहे हैं, अभी भी डिवीजन करते जा रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो केसेस क्या बनेगा, जस्ट लाइक जो मैंने आपका नॉर्मल केस में बताया था, लेयर बनेगा,
मैंने बताया था बेटा ना, एक लेयर बनेगा, बट इस केस में क्या होगा, एक लेयर के साथ क्लस्टर ऑफ सेल्स बनेगा और यही सेल्स का क्लस्टर जो होगा यही फॉर्म करेगा, फिर मैं लिख दे रहा हूं ट्यूमर। और यह ट्यूमर का फॉर्मेशन होना क्या शो करता है आपका, कि यह कैंसर का केस है। यह किसका केस है, कैंसर का केस है, तो ऐसा कैंसर के केस में होता है। ओके, चलते हैं आगे, हम लोग जानेंगे तो ट्यूमर के बारे में। अब जानेंगे ट्यूमर क्या है, तो मैंने अभी बताया यह मॉस ऑफ सेल है। यह क्या है, मॉस ऑफ सेल है। जब किसी भी प्लेस में मॉस ऑफ सेल्स कलेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मॉस ऑफ सेल जो सोलन स्ट्रक्चर हो जाता है, वही आपका कहलाता है ट्यूमर। और ये ट्यूमर कितने टाइप का होता है ये भी आप लोग को याद रखना है। ये ट्यूमर टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट जो होता है बेनाइगन और सेकंड जो होता है वो होता है मैलिग्नेंट। फर्स्ट जो ट्यूमर होता है वो बेनाइगन होता है और सेकंड जो होता है वो आपका मैलिग्नेंट होता है। बेनाइगन क्या होता है, तो इसको हम ये जानते हैं कि यहां भी सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है, लेकिन जो सेल डिवीजन अनकंट्रोल जिस रीजन पर होगा वहीं पर वह रहेगा, वहीं पर ट्यूमर बनेगा और ट्यूमर जो होगा आगे के पार्ट की तरफ स्प्रेड नहीं करेगा। बेनाइगन ट्यूमर के केस में होता है। बेनाइगन ट्यूमर के केस में क्या मैंने बताया कि जिस रीजन पर यह अनकंट्रोल सेल डिवीजन हुआ, ट्यूमर फॉर्म हो गया, तो वहां से वो स्प्रेड नहीं करेगा, तो वो आपका कौन सा ट्यूमर हो गया, बेनाइगन। लेकिन वही मैलिग्नेंट केस में क्या होगा, मैलिग्नेंट केस में यह होता है कि जिस रीजन पर होगा वहां के एरिया को, वहां के सराउंडिंग जो सेल्स होंगी उनको तो अफेक्ट करेगा ही। कैसे अफेक्ट करेगा, तो वहां जो भी न्यूट्रिएंट आएगा ना उसको ये एब्जॉर्ब करके अपने ले लेगा और वहां की सेल को नहीं देगा और धीरे धीरे वो सेल क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में जो सेल्स ये वर्क करती हैं, उन कैंसरस सेल को नाम दिया गया है नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज कैंसरस सेल। एंड कैंसरस सेल में क्या होता है इसमें, कि यह जो सेल्स होती हैं यह जिस रीजन पर कैंसर कॉज करती हैं वहां से, तो कैंसर कॉज या ट्यूमर कॉज करने के बाद वह आगे की तरफ स्प्रेड हो जाती हैं और वहां के सराउंडिंग सेल को भी फूड या न्यूट्रिएंट की सप्लाई होने नहीं देती हैं। और जैसे ही वहां पर कुछ सेल उस वहां के रीजन को डैमेज कर लेंगे, इसके बाद वो ब्लड के थ्रू अदर प्लेस पर चली जाएंगे, अदर रीजन में जाएंगे ब्लड के मीडियम से, और जाकर अदर रीजन पर भी ये अफेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, और अदर रीजन पर जब अफेक्ट करने लगेंगे तो यह प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है तो आप बताओगे, व्हेन द नियोप्लास्टिक सेल्स फ्रॉम अ रीजन रीच टू अनदर रीजन, व्हेन द कैंसरस सेल और नियोप्लास्टिक सेल फ्रॉम अ रीजन रीच टू द अनदर रीजन थ्रू ब्लड एंड कॉज द कैंसर ऑन द अनदर रीजन, दिस प्रॉपर्टी दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस होता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को जो जानना है अगला टॉपिक, वो है हम लोग का कॉज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉजेज क्या है, तो थ्री कॉजेज है। सबसे फर्स्ट कैंसर का कॉज जो होगा, हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉजेज जिसमें फर्स्ट जो होगा कैंसर का कॉज होगा फिजिकल, सेकंड जो होगा वो होगा केमिकल, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल। तो थ्री कॉजेज होते हैं कैंसर के, पहला फिजिकल, सेकंड केमिकल, और थर्ड जो होता है वो आपका होता है बायो
लॉजिकल। तो इन सभी के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।